कालना का मैं उद्घाटन करके आया हूँ। नेशनल इक्वल पार्टी के अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह जी, मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री बेड़ियालाल यादव जी, हमारे बनारस के जिलाध्यक्ष महोदय, बस साइकिल वाले नेता को अखिलेश कहते हैं, और इस पर मैं आपको कहना होगा, आज जो परिस्थिति चल रही है आपको कहना होगा, मेरे साथ कहना होगा, साइकिल जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सोलंकी जी, मंच पर उपस्थित अभी जिनके दल का कालना का मैं उद्घाटन करके आया हूँ, नेशनल इक्वल पार्टी के अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह जी, मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री बेड़ियालाल यादव जी, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के हमारे बड़ी संख्या में नेता हैं, एमएलसी हैं, पूर्व एमएलसी हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक है, पूर्व सांसद रामकृष्ण यादव जी से लेकर के सभी हमारे समाजवादी साथी, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, प्रदेश के इधर हैं सभी पदाधिकारी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर यादव जी, महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष विभू श्रीवास्तव जी से लेकर के सभी हमारे संगठन के और जिला संगठन के और सभी नेता कार्यकर्ता,
और इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में आदरणीय बुजुर्ग माताएं बहने नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस बेदार दंगल के लिए दिनेश यादव जी और उनके सभी सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। इसके साथ साथ जो हमारे बिहार के ओम प्रकाश यादव जी, अरे हम भी भैया का यार, जो विधायक हैं, जो लिखने वाले हैं, कवि लेखक, मैं उनका भी स्वागत और बधाई देता हूँ। ये विधा का कार्यक्रम बहुत दिनों के बाद मुझे आने का मौका मिल रहा है। हमारे पुराने समाजवादी लोग जानते होंगे कि पहला विधा का कार्यक्रम मैंने मिर्जापुर में कार्यक्रम किया था। जो पुराने समाजवादी होंगे वो जानते होंगे मैं नया नया राजनीति में आया था और मिर्जापुर में मुझे जाने का मौका मिला था। जब कार्यक्रम सभी खत्म हो गए उसके बाद उन्होंने कहा कि एक आपका बहुत विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है। अरे यार आवाज है, और मुझे याद है कि शाम से लेकर के रात भर विधा के कार्यक्रम में कई घंटों हम लोगों को सुनने का मौका मिला है। हालांकि आज मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, आपके दो तीन ही साथियों ने गाया है, लेकिन मैं सभी गायकों को और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अपने पदाधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी लखनऊ में ये शादियों का कार्यक्रम खत्म हो जाए, उसके बाद सबसे पहला समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे तमाम गाने वाले साथी शामिल होंगे।